एमसी स्टेन रविवार देर रात रोमांच मुकाबले के बाद रैपर एमसी स्टेन ने सबको चौंकाते हुए बिग बॉस 16 विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। एमसी स्टेन की जीत से का चाहा उनके फैंस खुश है, वहीं कुछ हैरान भी है, इसलिए सोशल मीडिया में दिन भर उनका नाम ट्रेंड होता रहा। एमसी स्टेन जितना मांगता हैशटैग पर 9 लाख से अधिक ट्वीट हुए थे। एमसी स्टेन की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने जमीन से आसमान का सफर तय किया है। बिग बॉस 16 के इस दमदार विनर की कुछ खास बातें जो हम आपको बता रहे हैं। बिग बॉस 16 के पूरे सीजन में दर्शकों का दिल जीतने वाले एमसी स्टेन का असली नाम अल्ताफ शेख है। पुणे के रहने वाले एमसी स्टेन का ध्यान पढ़ाई की जगह गानों और रैप पर ज़्यादा था। एमसी स्टेन को बचपन से ही गाने का शौक था। वही एमसी स्टेन ने महज 12 साल की उम्र में कवाली गाना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से उन्हें परिवार वालों को ताने भी सुनने को मिलते थे। एमसी स्टेन के बारे में ये बात कम लोग जानते हैं कि गाने के अलावा वह बीट बॉक्सिंग करते थे। वही जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तब उन्हें सड़कों पर रात गुजारनी पड़ी थी। कवाली से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एमसी स्टेन ने फेमस रैपर रफ्तार के साथ भी परफॉर्म किया। स्टेन का पहला गाना समझ मेरी बात को था। वहीं इसके बाद उन्होंने असरगरबिल्ला गाना रिलीज किया। इस गाने ने उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई थी। अपने अब तक के करियर में उन्होंने कई गाने गाए, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान वाटा गाने में मिली थी। इस गाने को यूट्यूब पर धमाकेदार व्यूज मिले थे। वही स्टेन को इंडिया का टूपैक कहा जाता है। वही सलमान खान भी एमसी स्टेन को काफ़ी पसंद करते हैं।